हे गाइस वेलकम, हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो अभी हो चुकी है शाम, तो मैं अभी कुछ काम से बाहर आया था, किसी को ड्रॉप करना था तो मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। और फिलहाल मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा राइड भी कर लेता हूँ और एक वीडियो भी शूट कर लेता हूँ, क्योंकि व्लॉग भी मैंने दो चार दिन से व्लॉग भी नहीं किया है। तो मतलब इतना ज़्यादा ही अंधेरा इधर हो रहा है कि कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल एक छोटा सा राइड करते हैं, एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। आई थिंक तो मैं कोशिश करूँगा 5 से 6 मिनट का वीडियो बनाए, या उससे भी छोटा ही वीडियो रहेगा, बस ऐसे ही नॉर्मल ही राइड करेंगे। फिलहाल अभी तो अभी उनको ड्रॉप मैंने कर दिया है और अभी वापस मैं जा रहा हूँ घर। तो इस वाले रोड पर थोड़ा सा बाइक को खींचेंगे, क्योंकि इधर का रोड जो काफ़ी थोड़ा सा सही भी है और इधर ट्रैफिक भी कम ही होता है। तो अभी हज़ार्ड को ऑन कर लेते हैं। तो इस वाले बाइक में एक अच्छी बात है कि हज़ार्ड मुझे बाइक के साथ ही हज़ार्ड का ऑप्शन मिल गया था, और फिलहाल अभी तो ये ऑप्शन रॉयल इनफील्ड ने बंद कर दिया है। तो भाई इस वाले बस से थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अभी जब मैं घर से वापस आ रहा था तो एक बस वाले ने बाइक को ठोक दिया था। तो एक अच्छी बात है कि बाइक वाले को कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल सा छोटा सा एक्सीडेंट था, किसी के साथ था, तो मैं वहाँ पे रुका नहीं और कैमरा भी मेरे हेलमेट पे नहीं लगा हुआ था तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया मैं। ओए भाई उल्टा चला आ गया। तो ना जाने क्यों आज सारे स्ट्रीट लाइट ही बंद है। मैंने लाइट का बात भी किया और देख सकते हो कि सामने स्ट्रीट लाइट है, मगर सारा स्ट्रीट लाइट अभी ऑफ किया हुआ है। तो मालूम नहीं क्या ही पंगा है। तो यहाँ से स्ट्रीट लाइट ऑन है, तो क्योंकि उधर तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हो पाया होगा, तो इधर फिलहाल वीडियो जो है आप लोग को थोड़ा सा क्लियर देखने को मिल रहा होगा। तो आपको मेरे आवाज़ से थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि मुझे कितना ज़्यादा ठंड लग रहा है, क्योंकि इतना ही ज़्यादा ठंड है। अभी शाम के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है, दिन में तो इतना अच्छा मौसम होता है कि धूप निकलता है, मौसम एकदम साफ रहता है, और शाम होते के साथ ही थोड़ा ठंड बढ़ जाता है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाता है का। अरे भाई तो मतलब देखते हो ना गाइस, बिना देखे सामने सब सीधा रोड को क्रॉस करने लगता है। मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं, भाई मेरे को कुछ नहीं होगा तो अगले बंदे को तो कुछ हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा उन लोग को वैसा कुछ फील नहीं होता कि भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है। मतलब टेम्पो वाले ऑटो वाले ना दिमाग बंद करके चलाते हैं भाई। तो गाइस एक काम करते हैं कि नीचे से नहीं जाते, बेली रोड के ऊपर से जाते हैं। फिलहाल थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अभी घर नहीं, थोड़ा सा घूमते हैं, क्योंकि जब बाहर आए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। ये मुंडे निकाल कर ऐसे रोड पर थूक रहा था, तो क्या पता कि जैसे ही ये पुल ख़त्म होगा यहाँ पर रश ज़्यादा काफ़ी थोड़ा सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आगे से घूम कर आते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लंबा करने का कोशिश करते हैं। नॉर्मली रात में आज राइड कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ भी रहा है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा ट्रैफिक इधर पुल पे काफ़ी कम मिलता है। नीचे में रश रहता है, मगर इस साइड का जो रोड है ना काफ़ी खाली खाली सा रहता है। गजब मज़ा आ गया। तो अभी थोड़ा सा बाइक को और खींचेंगे। तो इस साइड वाले एरिया में ठंड भी थोड़ा काफ़ी कम है। उधर क्या था, खुला खुला था, उतना ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी तो उधर ठंड थोड़ा ज़्यादा था, मगर इधर उतना कोई खास ठंड भी नहीं है, नॉर्मल है। तो गाइस ये वाला एरिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, क्योंकि मेरे जस्ट राइट हैंड साइड में पूरा जो एरिया है ज़ू का एरिया है, और ज़ू के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधा है। तो यहाँ और ये वाला स्पीड ब्रेकर इतना ज़्यादा डेंजर है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे ना ही कोई स्ट्रीट लाइट जलती है, और काफ़ी बड़ा स्पीड ब्रेकर है। अगर कोई अनजान आदमी अगर रात में अगर बाइक चलाए या कार चलाए तो वहाँ पर 100% चांस है कि गाड़ी उसकी जंप कर जाएगी, क्योंकि वो दूर से दिखता भी। मतलब इतना ज़्यादा ठंड है ना कि मैंने अपना एक हाथ जो है जैकेट
के अंदर डाल दिया है। तो पुल पे उतना कोई ख़ास ठंड नहीं था, और इस वाले एरिया में तो इतना ज़्यादा ठंड होता है कि काफ़ी भयानक वाला ठंड होता है इस साइड। तो हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेकर सीधा जाकर फिर आगे जो नया वाला अंडरपास बना है उधर से निकलेंगे। गाइस इधर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, मगर ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉश इलाका है। मतलब इधर जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं उसके आवास है, सीएम आवास है, और जितने भी सारी बिहार गवर्नमेंट का ऑफिस वगैरह है आपको इधर ही साइड मिलेगा। तो इसके वजह से ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा पॉश एरिया है, और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं अभी लिफ्ट, और लिफ्ट लेके अंडर पास से जाएंगे। तो पता नहीं इस वाले पुल पर जाने के लिए जाना अलाउड है या नहीं, मालूम नहीं। नहीं तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि इस वाले पुल पर अभी जाना अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल अगर कोई पंगा हो गया तो मैं कोई पंगा नहीं चाहता हूँ। तो अभी उस वाले पुल पर नहीं जाते हैं। मतलब हाथ है ना मेरा एकदम फ्रीज हो गया, एकदम मतलब ठंडा से हाथ जम गया गाइस। और इधर जो पूरा पॉलिटिशियंस का आवास, जैसा कि मैंने बताया कि उन लोगों का जितना भी मतलब मंत्री का और भी जो भी होते हैं उन लोग का घर है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लालू यादव का आवास है, ये रहा लालू यादव का आवास। क्या सीन है, क्या ही नज़ारा है नाइट के टाइम में, और मतलब इतना ज़्यादा क्लियर व्यू ना भाई। मैं जैसे ही हैंडल छोड़ा मेरी बाइक के हैंडल पूरा ऐसे ऐसे हिलने लगी, ना जाने लगता है हवा कम है। मैंने हवा भी नहीं डलवाया, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है कितना नीचे करके लगाया गया है। तो इसका एक वजह है कि जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये बाउंड्री जो दिख रही है एयरपोर्ट की बाउंड्री, और जो फ्लाइट लैंड होती है इस साइड से ही लैंड होती है, तो पायलट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसके वजह से स्ट्रीट लाइट को नीचे कर दिया गया है भाई। तो मुझे रास्ते में एक जीप दिखा है, काफ़ी मस्त सा जीप देखने में लग रहा है वो, काफ़ी छोटी सी और काफ़ी हेवी मशीन है, और काफ़ी बढ़िया नंबर पंजाब का है। तो भाई क्या लग रहा है, मतलब जो भी मॉडिफाइड किया ना, काफ़ी खूबसूरत सा और काफ़ी बढ़िया सा मॉडिफाइड किया है इसे। मैंने बताया था ना कि बेली रोड के नीचे जैसे ही मैं आऊँगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही रश मिलेगा। तो ये है टाटा की टाइगोर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि रोड पर अब काफ़ी ज़्यादा ही दिख रही है। तो गाइज आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।